नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ रोज की तरह ऐसी नई नई किचन टिप्स जिसको आज आप पहली बार देखेंगे। ऐसे किचन टिप्स आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होंगी। इन सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने के बाद आपके पास होने वाली है पैसों की ढेर सारी बचत। जिन कामों के ऊपर आपके पैसे खर्च होते हैं, मुश्किल काम भी आपके आसान हो जाएंगे और घर के सारे काम तो आपके फ्री में होंगे ही। तो वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां पर दोस्तों मेरी पहली यूजफुल ट्रिक है यहां पर हमारी कॉफी को लेके। कॉफी का इस्तेमाल हम सब अपने घर में करते हैं, कभी एनर्जी के लिए, कभी कोई लोग ब्लैक कॉफी पसंद करते हैं पीना, तो कई लोग कोल्ड कॉफी या फिर हॉट कॉफी। लेकिन आज हम कॉफी का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने किचन एरिया में तवे के ऊपर। तो आपको दोस्तों एक काम हमेशा से करना है कि जब कभी भी आपके घर में बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है या कीड़े मकोड़े या मच्छर मक्खी आने लगते हैं, उस टाइम पर आप गर्म तवे के ऊपर थोड़ी सी कॉफी डाल दीजिए। जी हाँ, ये कॉफी इतनी ज्यादा कारगर होती है स्मेल को हटाने के लिए और साथ ही साथ छिपकली, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि मच्छर मक्खी को भी भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। अक्सर जब कभी भी हम रोटियां बनाते हैं तो तवा हमारा काफी देर तक गर्म रहता है, तो आप ये काम उस टाइम पर भी कर सकते हैं और अपने पूरे घर में हर एरिया में जहां भी मक्खी मच्छर ज्यादा होते हैं वहां पर आपको इस धुएं को फैला देना है। बस गर्म तवे के ऊपर थोड़ी सी कॉफी आपको डालनी है किसी भी ब्रांड की और यहां पर आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगली यूजफुल ट्रिक दोस्तों हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कांच का ग्लास और इसमें डाल दिया है आधे ग्लास के करीब मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी। दोस्तों, हम सभी अपने घर में गेहूं के आटे की रोटियां रोज खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो गेहूं का आटा आप दुकान से लेकर आते हैं ये सच में शुद्ध होता भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रोटियां खाते खाते हम ज्यादा बीमार पड़ने वाले हैं? मेरे घर में जो गेहूं का आटा आता है वो हमेशा चक्की से ही पिस कर आता है हमारे सामने, तो ये वो आटा है। तो यहाँ पर मैंने पानी के अंदर इस आटे की 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी हैं भर के और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। आपको भी यही काम करना है। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको ये वाला काम करना है कि क्यों ना हम जो रोटियां रोज खाते हैं जिस आटे की, उसको एक बार टेस्ट तो करके जरूर से देखिएगा। तो यहां पर जब ये अच्छी तरीके से आटा इसके अंदर घुल जाता है तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। इसका जितना भी आटा हुआ हमने घोला है ना, ये नीचे बैठ जाएगा और इसके अंदर जितनी भी मिलावट की होगी, जितनी भी अशुद्धियां होंगी, वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगी। चाहे फिर वो चोकर की हो, रेशों की हो या कोई और चीज अगर उन्होंने मिलावट की होगी दुकानदार ने, तो यहां पर वो आटे के ऊपर तैरने लगेंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी कि ये आटा बिल्कुल शुद्ध है। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारे यहाँ पर दिए को लेकर। दोस्तों, जब कभी भी हम दिए का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसमें काफी सारा तेल भरते हैं, बाती लगाते हैं और इसको जलाना शुरू कर देते हैं। इससे होता यह है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हर चीज इतना महंगी हो गई है और जो तेल है वो बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है और अभी भी काफी ज्यादा महंगा है। तो क्यों ना इस दिवाली के सीजन में हम थोड़े पैसों की बचत कर लें। तो यहां पर आपको ले लेना है दिए में तेल की जगह पर पानी, और सबसे अच्छी बात है कि आप इनको कलरफुल बना सकते हो, यानी बच्चों के जो वाटर कलर होते हैं या फिर फूड कलर होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, कलरफुल इसको बना सकते हो इस पानी को। यहां पर दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है कि जो बाती है ना इसको ऑयल में डिप करना है, बाद इस पानी वाले दिए में आपको रख देना है। अब यहां पर आपको लेना है नेल पेंट और जो इसकी बाती वाला एरिया है ना यहां पर आपको लगा देना है इसके ऊपर वाले हिस्से में। अब यहां पर आपको दोस्तों बाती को जला लेना है। जितनी भी देर आपका दिया जलता है ना उससे ज्यादा ही देर तक जलेगा जो भी आप तेल का इस्तेमाल करके दिया जलाते हैं, क्योंकि जो तेल होता है ना वो पानी के ऊपर ही ऊपर रहता है, वो बिल्कुल उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पानी मिक्स हो जाता है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और आपके काफी सारे पैसों की भी बचत हो सकती है, ऑयल की भी बचत हो सकती है। अगर आपको दिवाली में दिए जलाने हैं काफी सारे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके काफी सारे आप तेल और पैसों की बचत कर सकते हैं। अगली ट्रिक देखने से पहले दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए अभी कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, साथ ही साथ शहर का नाम भी बताइएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो लोगों को कहां कहां तक पसंद आ रही है। अगली यूजफुल ट्रिक जो है दोस्तों हमारी फॉइल पेपर को लेके है। फॉइल पेपर का इस्तेमाल हम सभी अपने घर में रोटियां पराठे लपेटने के लिए करते हैं, जिससे कि वो हमारे खाने पीने की चीजें बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए किसी और चीज में जो हम अक्सर सोचते भी नहीं है, और हमारी खाने पीने की काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं और हमें बाद में पता चलता है कि अगर हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते तो शायद हमारे खाने पीने की चीजें तो बिल्कुल खराब नहीं होती। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा फॉइल पेपर को फाड़ लिया था और इसके इस तरीके से छोटे छोटे हमने ऐसे इसको कैंची की मदद से काट लेना है। छोटे छोटे पीस बना लीजिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने यहां पर किया है। अब दोस्तों जो हमारा खाने पीने का सामान होता है जैसे कि छोले, राजमा, चने, लोबिया, दालें, ये कुछ
चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि इन पर ना कीड़ा जल्दी लग जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम दाल वगैरह या कोई भी खाने पीने का सामान लेकर तो आते हैं लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसे ऐसे ही घर में रखा रहता है और होता यह है कि उसमें जल्दी से सीलन की वजह से कीड़ा लग जाता है या फिर कई बार हमारे गीले हाथ लग जाते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है, जाले लग जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना यह है कि जब कभी भी आप राशन का सामान लेकर आते हैं तो इस तरीके से दालों में, छोलों में, राजमा में, जो कि मोटा अनाज होता है, इनके अंदर आपको ये फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के काट के डाल देने हैं। इससे होगा ये कि कभी भी इन पे कीड़ा नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो आई होप कि ये वाली ट्रिक भी आपके बेहद काम आएगी। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हम सबके घरों में दवाइयों को लेकर। दवाइयाँ हम सबके घर में होती हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि दवाई की हम 2 या 3-4 डोज लेते हैं उसके बाद वो दवाई हमारी बच जाती है। यहाँ पर मैं सिरप वाली दवाइयों की बात कर रही हूँ। तो अक्सर होता ये है कि जब ये बच जाती है तो हम इसे फेंकते नहीं हैं बल्कि हम इसे संभाल के रखते हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई दिक्कत हमें हो तो इस दवाई को हम फिर से यूज़ कर सकें। लेकिन होता यह है कि कई बार घर के अंदर ही दवाइयाँ पड़े पड़े जो है एक्सपायर हो जाती हैं, और कई बार तो दवा एक्सपायर नहीं होती है लेकिन जो उसकी डेट होती है वो या तो वहाँ से ख़राब हो जाती है, ठीक से दिखता नहीं है और हमें समझ नहीं आता, और कई बार तो इतने छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखा होता है ना कि जिनकी आई साइट वीक हैं, आँखें कमज़ोर हैं, वो लोग इस डेट को देख ही नहीं पाते कि इसमें तारीख कौन सी डली हुई है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि जब कभी भी दवाई लेकर आते हैं और अगर वो दवाई बच जाती है तो आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट पर यहाँ पर लगा दीजिए कोई भी सेलो टेप, और जिनकी आई साइट वीक हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ पर जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए किसी भी परमानेंट मार्कर से या पेन से, जिससे कि जिनकी आई साइट वीक है ना वो भी अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, उन्हें ज़्यादा इसको देखना ना पड़े ध्यान से। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।